हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं कैमरा पी जी कैम के बारे में। तो यहाँ पर हमने पोको डिवाइस के ऊपर जो कैमरा पी जी कैम का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है, एंड यहाँ पर इस गूगल कैमरा के साथ जो कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देने को मिलता है, इस तरह से इसे जो फीचर से ऐड किया गया है। यहाँ पर इस वीडियो के दौरान इस जी कैम का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले है। तो वीडियो जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैमरा पी जी कैम का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर चेक इस गूगल कैमरा को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर हमने पोको डिवाइस के ऊपर पोको F1 डिवाइस के ऊपर इस जी कैम को इंस्टॉल किया है। इसके अलावा हमने पोको X3, रेडमी नोट 7, रेडमी नोट 10 प्रो, MI A2 ये सभी डिवाइस के साथ भी हमने इस गूगल कैमरा को ट्राई करके देखा है। सभी डिवाइस के ऊपर ये जो जी कैम का जो बिल्ड काम कर जाएगा। बेसिकली यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन डिवाइस के साथ ये जो जी कैम का जो बिल्ड काम करता है, सैमसंग, रेडमी, शाओमी, पोको, यहाँ पर जो पोको, रियलमी, ये सभी डिवाइस के साथ ये जो जी कैम का जो बिल्ड काम कर जाएगा। पर बात कर लेते हैं इस जी कैम के साथ जो क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है। सबसे पहले ये जो जी कैम का जो बिल्ड है तो काफी फास्ट है, बहुत ही फास्ट। आप एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन को स्विच कर सकते हो। तो यहाँ पर काफी फास्ट इस जी कैम के साथ जो फोटो को क्लिक कर सकते हो। कुछ इस तरह से इस गूगल कैमरा के साथ जो कैमरा का जो यूजर इंटरफेस देने को मिलेगा, इस तरह से सभी जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एक चीज आप नोटिस करोगे, यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर जो लेंस ब्लर मोड को ऐड किया गया है, तो लेंस ब्लर मोड का ऑप्शन है, नाइट मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, बट यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड का जो ऑप्शन है अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है इस गूगल कैमरा के साथ HDR प्रोसेसिंग इंडिकेटर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। बेसिकली यहाँ पर जो फोटो क्लिक करने के बाद जो है इस तरह से यहाँ पर जो फोटो क्लिक करने के बाद जो है HDR प्रोसेसिंग इंडिकेटर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसमें ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर इस अपडेट के साथ जो है लाइका मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। कुछ इस तरह से आप जो लाइका मोड के साथ जो फोटो को क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर लाइका मोड का जो बटन है यहाँ पर व्यू फाइंडर के ऊपर ऐड किया गया है, प्लस व्यू फाइंडर के ऊपर कुछ इस तरह से UI देने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो बाई डिफॉल्ट मोशन फोटोज का जो ऑप्शन है डिजेबल है, आपको अलग से मोशन फोटोज का जो ऑप्शन है उसे एनेबल करना होगा। बेसिकली यहाँ पर जो लाइव फोटोज का जो ऑप्शन है बाई डिफॉल्ट एनेबल नहीं है, आपको अलग से एनेबल करना होगा। प्लस यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन डिवाइस के लिए यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है उसे भी फिक्स किया गया है। पर जो स्नैपड्रैगन डिवाइस के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर ये जो जी कैम का जो बिल्ड है ऑलमोस्ट सभी एंड्रॉइड डिवाइस के साथ काम करते हैं, बट अभी फिलहाल ये जो वर्सन है पर मीडियाटेक डिवाइस के साथ काम नहीं करेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। नंबर बात कर लेते हैं पर फीचर्स के बारे में। सबसे पहले पर कैमरा के साथ HDR मोड, HDR एनहांस मोड का ऑप्शन है, टाइमर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, 3 सेकंड 10 सेकंड का ऑप्शन है, फ्लैश का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो नाइट मोड के ऊपर जो टाइमर का ऑप्शन है, फोकस के ऊपर ऑटो नियर फार इन्फिनिटी सेट से पर जो मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो है लाइट पेंटिंग मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस डेडिकेटेड जो एस्ट्रो फोटोग्राफी का जो बटन है ऐड किया गया है। पर लाइका मोड का ऑप्शन है, ऑटो एड बैलेंस मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। बेसिकली यहाँ पर ऑटो एड बैलेंस का आपको यहाँ पर जो है एक्यूरेट कलर देने को मिल जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। इस तरह से इसे भी जो ऑप्शन है अवेलेबल है नाइट मोड के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर जो है लेंस ब्लर मोड को ऐड किया गया है। अभी फिलहाल जो है लेंस ब्लर मोड का जो ऑप्शन है पोको डिवाइस के ऊपर पोको F1 डिवाइस के साथ काम नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट मोड का जो ऑप्शन है अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें, यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है यहाँ पर ऑटो FPS, 30 FPS, 60 FPS का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो जो लाइका फोटो मोड के साथ जो है वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर लाइका मोड का जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर लाइका मोड का जो ऑप्शन है वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भी काम कर जाएगा। तो यहाँ पर लाइका मोड का जो ऑप्शन है वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भी काम करता है। यहाँ पर पैनोरामा का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, प्लस अगर आप गूगल कैमरा के साथ 360 फोटो को क्लिक करना चाहते हो, जो फोटो एस्पर मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। 360 फोटो क्लिक करने के लिए जो फोटो एस्पर मोड का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, प्लस टाइम लैप्स के ऊपर 1x, 5x, 10x, 30x, 120x का ऑप्शन है। यहाँ पर स्लो मोशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर स्लो मोशन वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर स्टॉक कैमरा को यूज कर सकते हो। ना यहाँ पर जो है सेटिंग्स मोड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते देखते हैं सेटिंग्स मोड के साथ जो क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर कैमरा साउंड को डिजेबल करने का ऑप्शन है, गोल्डनेस को सजेशन है ऐड किया गया है, फ्रेमिंग हिंट्स का ऑप्शन है, सेफ सेल्फीज एज प्रीव्यू का ऑप्शन है, पर्चे मिरर फोटोज का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, सोशल शेयर का ऑप्शन है, डायरेक्टली जी कैम से फोटो एंड वीडियो इसे शेयर कर सकते हो, गेसेस का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है
इस जीकैम के साथ डबल टैप टू जूम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, इस तरह से मुझे डबल टैप करके जूम कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो है 10x तक जूम का ऑप्शन है एंड वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है पर 10x तक जूम का ऑप्शन है। एंड इस तरह से आप जो है सिंपली यहाँ पर वॉल्यूम बटन को प्रेस करके यहाँ पर आप फोटो क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर वॉल्यूम बटन के साथ जो है वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, वॉल्यूम बटन के साथ जो है वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर जो है वॉल्यूम बटन को एज ए शटर बटन के तरह यूज कर सकते हो। इसमें ऐड किया गया है ग्रिड टाइप का ऑप्शन है। यहाँ पर जो है लेंस ब्लर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एडवांस डिस्कवर जो है एचडीआर कंट्रोल का ऑप्शन है। यहाँ पर मैक्सिमम स्क्रीन ब्राइटनेस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो है पर व्यू फाइंडर के ऊपर मैक्सिमम स्क्रीन ब्राइटनेस देने को मिलेगा। यहाँ पर लाइका लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर लाइका लेंस का ऑप्शन है। यहाँ पर रॉ फोटोज का जो ऑप्शन है इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है इस तरह से इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। तो बाय डिफॉल्ट जो मैक्सिमम जूम से अब इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ पर जो 20x तक जूम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट कौन सा जो ऑप्शन है एनेबल होगा आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर जो है डार्क मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। अगर आप चाहते हो यहाँ पर जो है गूगल कैमरा के साथ जो है डार्क मोड को यूज कर सकते हो। प्लस एचडीआर सीरीज का ऑप्शन है। यहाँ पर जो एचडीआर मोड के ऊपर जो फ्रेम को इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ पर 36 तक फ्रेम को इंक्रीज कर पाओगे। अगर आप एचडीआर मोड के साथ जो फ्रेम को इंक्रीज कर गए तो यहाँ पर फोटो के साथ जो काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिल जाएगा। बट यहाँ पर फोटो सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है जैसे हमने नोटिस किया है। प्लस यहाँ पर जो जीबीजी क्वालिटी को इंक्रीज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो ऑटो एड बैलेंस का ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है। एंड इस तरह से इससे भी जो ऑप्शन है अवेलेबल है। यहाँ पर जो है बेसिक सेटिंग्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है मेन कैमरा फ्रंट कैमरा का ऑप्शन है। पर जो पिक्सल 2, पिक्सल 3, पिक्सल 3A, पिक्सल 4, पिक्सल 4XL का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। फ्रंट कैमरा बैक कैमरा के जो ऑप्शन काम कर जाएगा। प्लस फोटो के ऊपर जो सैचुरेशन उसे इंक्रीज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। ऑटो एड बैलेंस का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। DCA-P3 कलर का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो एस्ट्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन है। प्लस लाइट पेंटिंग मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर फोटो के ऊपर जो ग्रीन टिंट का इशू था उसे फिक्स करने का ऑप्शन है ऐड किया गया है। फ्रंट कैमरा के ऊपर अगर कोई भी ग्रीन टिंट का इशू आता है उसे आप फिक्स कर सकते हो। डिसेबल हेक्सागन DSP का ऑप्शन, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद एचडीआर मोड के ऊपर जो इंप्रूवमेंट देने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है अलग अलग ऑप्शन को डिसेबल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है अगर आपके डिवाइस के ऊपर काम नहीं कर रहे तो। नेक्स्ट यहाँ पर जो है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। अगर आपके डिवाइस के ऊपर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है तो इस गूगल कैमरा के साथ जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। वीडियो स्टेबलेशन का ऑप्शन है। EIS एंड OIS का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इस गूगल कैमरा के साथ। प्लस 4K टाइम लैप्स का ऑप्शन है। डेफिनेटली आपके डिवाइस के ऊपर जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो सपोर्ट होना चाहिए। प्लस यहाँ पर जो है टाइम लैप्स स्लो मोशन के ऊपर आप जो 70 MBS तक जो वीडियो का जो बिट रेट आप इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर जो है वीडियो के ऊपर 100 MBS तक जो वीडियो का जो बिट रेट आप इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर जो है अगर आप बिट रेट को इंक्रीज करोगे तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिल जाएगा इसमें ऐड किया गया है। एंड इस तरह से ये सभी जो ऑप्शन है अवेलेबल है इस गूगल कैमरा के साथ। आप जरूर इस जीकैम को ट्राई करके देखना आपके डिवाइस के ऊपर। नंबर बात कर लेते हैं जो फोटो क्वालिटी के बारे में, किस तरह से इस जीकैम के साथ फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। हम जो है आपके सामने लाइव कुछ फोटो को क्लिक करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हमने ऑटो एड बैलेंस को एनेबल किया है। प्लस लाइका लेंस का जो ऑप्शन है एनेबल किया है। प्लस यहाँ पर जो है रॉ फोटोज का जो ऑप्शन है इसे डिसेबल करते हैं। एंड एचडीआर एनहांसमेंट का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करते हैं। जल्दी से कुछ फोटो को क्लिक करके देखते हैं किस तरह से जो फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर फोटो सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर हमने जो एचडीआर एनहांसमेंट का जो ऑप्शन है उसे एनेबल किया है। एंड लाइका लेंस का जो ऑप्शन है एनेबल है। ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन है एनेबल है। ऑटो वाइड बैलेंस का आपको यहाँ पर एक्यूरेट कलर देने को मिल जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर सोशल शेयर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड और कुछ फोटो को जल्दी से क्लिक करके देखते हैं किस तरह से बढ़ जाए फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। एंड हमने यहाँ पर जो है मल्टीपल फोटो को यहाँ पर जो हम क्लिक करने वाले हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास से MI2 डिवाइस, इसके साथ भी कुछ फोटो को जल्दी से क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पर फोटो सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पर जो HDR एनहांसमेंट का जो ऑप्शन है एनेबल है। HDR एनहांसमेंट के साथ जो पर मल्टीपल फ्रेम के साथ जो फोटो क्लिक होते हैं इसलिए यहाँ पर जो फोटो सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी ये जो जीकैम का जो वीडियो तो काफी बढ़िया है। इस जीकैम के साथ जो है काफी बढ़िया बढ़िया फोटो को क्लिक कर सकते हो। देख लेते किस तरह से जो फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर हम जो है बहुत सारी अलग अलग फोटो के यहाँ पर आपके सामने लाइव यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह से जो है फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा इस गूगल कैमरा के साथ। हमने यहाँ पर जो ढेर सारी फोटो को क्लिक किया है। यहाँ पर जो सभी फोटो के ऊपर जो ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन है एनेबल है। प्लस जो लाइका लेंस का जो ऑप्शन है एनेबल है। देख पाओगे फोटो के ऊपर जो काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिल गया है। जो HDR मोड HDR
एनहांस मोड है काफी बड़ी तरीके से काम करते हैं। प्लस जो यहाँ पर काफी बढ़िया आपको यहाँ पर जो सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। फोटो के ऊपर जो ड्रिलिंग है, जो एचडीआर मोड है, एचडीआर एनहांस मोड है काफी बड़ी तरीके से काम करते हैं। प्लस काफी हद तक आपको यहाँ पर जो है जो एक्यूरेट कलर है और जो नेचुरल कलर देने को मिल जाएगा, ज्यादा सैचुरेट फोटो देने को नहीं मिलता है। प्लस यहाँ पर सोशल मीडिया रेडी फोटो देने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो है लो लाइट के लिए आप सिंपली जो है एस्ट्रोनॉट यूज कर सकते हो। एंड काफी बढ़िया आपको नेचुरल कलर देने को मिलता है, देख सकते हो काफी बढ़िया है। एंड यहाँ पर आपको OIS प्लस ES का जो वीडियो स्टेबलाइजेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड ये जो जीकैम का जो बिल्ड है आप एज ए डेली ड्राइवर भी यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो है फ्रंट कैमरा सेल्फी के साथ भी आपको काफी बढ़िया जो है फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। यहाँ पर जो है HDR एनहांस मोड के साथ भी आपको काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। आप जरूर इस गूगल कैमरा को ट्राई करके देखना। यहाँ पर आपको बेटर कलर विद बेटर रीडिंग देने को मिलता है। फोटो को आपको ज्यादा नॉइज देने को नहीं मिला है। आप जरूर इस जीकैम को ट्राई कर देखो आपके डिवाइस के ऊपर। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके अलग अलग जीकैम का जो वीडियो है उसे आप जरूर से चेकआउट करके देखो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। एंड ये जो जीकैम है इस जीकैम का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस जीकैम को डाउनलोड कर सकते हो।